हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए और 100% पूछे जाने की संभावनाएं हैं जिनकी। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं, और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आधे वीडियो से ही चले जाते हैं। वो लोग अपने कारण बताएं कि आखिर क्यों पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं जहाँ तक हो सकेगा फिर खुद में सुधार करूँगा अगर मुझ में कुछ त्रुटियाँ हो तो। इसलिए चलिए आगे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो आखिर क्या मतलब कैसे क्या कारण है जिनके कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दो अंडाणु एक शुक्राणु का निषेचन करे तब, ऑप्शन बी जो है एक शुक्राणु दो अंडाणु का निषेचन करे तब, और ऑप्शन नंबर सी है बिना निषेचन के भ्रूण का बनना, ऑप्शन नंबर डी है बिना निषेचित अंडे का दो खंडों में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग हो जाने पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिना निषेचित अंडे का दो खंडों में विभाजन होना तथा दोनों भाग का अलग हो जाना हो जाए तो समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन रक्त में संयोग करती है, तो जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन रक्त में संयोग करता है तो किससे संयोग करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम से, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटलेट्स से, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कोशिकाओं से। तो इसका सही आंसर जो होगा हीमोग्लोबिन से होगा, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन से ही संयोग करती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक जल का निष्कासन होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसका ऑप्शन बी देख लेते हैं, शरीर के जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी है शरीर के ताप का नियंत्रण करना, और ऑप्शन नंबर डी जो है शरीर में अधिक लवणों का निष्कासन करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक जब काम करना बंद कर देते हैं तो मनुष्य के रक्त में से विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है जब ब्रिक काम करना बंद कर दे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है ए है डायलिसिस द्वारा, ऑप्शन बी जो है बायोप्सी द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो है अल्ट्रासाउंड द्वारा, और ऑप्शन डी है एंजियोग्राफी द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डायलिसिस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का ब्रिक लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और अक्सर बायोलॉजी या जनरल साइंस जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसका देखिए ऑप्शन क्या होता है, ब्रिक प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का ही ब्रिक लिया जाता है क्योंकि आखिर इसका क्या कारण है? दोनों के ब्रिकों का रक्त समूह एक जैसा होता है, ऑप्शन बी जो है दोनों के ब्रिकों का आकार एक जैसा होता है, इसके बाद ऑप्शन सी जो है दोनों के ब्रिकों की उत्तक रचना एक जैसी होती है, और ऑप्शन डी जो है दोनों के ब्रिकों की आनुवंशिक संगठन एक जैसा होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों के ब्रिकों की आनुवंशिक संगठन एक जैसा होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करते जाइएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्वास ने, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट कॉक ने, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्राउन ने, और ऑप्शन नंबर डी है ल्यूबेन हॉक ने। तो इसका सही आंसर जो होगा, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कलस पौधा, ऑप्शन बी है नागपनी, और ऑप्शन सी है घटपर्णी, ऑप्शन नंबर डी जो है फीता पौधा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो घटपर्णी। ये घटपर्णी पौधा जो है वो कि मांसाहारी पौधा है, और बाकी तीनों जो पौधा है वो शाकाहारी पौधा में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अकशेरुकी नहीं है? तो निम्न में से कौन अकशेरुकी नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है घोंगा, ऑप्शन बी है केकड़ा, ऑप्शन सी है झींगा, और ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली। तो मछली अकशेरुकी नहीं है। और जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दसवां क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है फंक ने, ऑप्शन बी मैकुलन ने, ऑप्शन सी हैनीमैन ने, और ऑप्शन डी लैंडस्टीनर ने। ये क्वेश्चन आपका एएलपी में भी पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन लोको पायलट के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फंक ने विटामिन की खोज की थी। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, कुछ पादप निषेचन के बिना फलोत्पादन करते हैं, इसे प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? ऑप्शन ए है अभियुग्म, और ऑप्शन बी है अनिषेक फलन, ऑप्शन सी है युक्तांड पता, और ऑप्शन नंबर डी है युक्तांड पता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिषेक फलन, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जंपिंग जीन का सिद्धांत, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ग्रेगर मेंडल ने किया था, ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी थॉमस हंट ने किया था, या ऑप्शन नंबर डी बारबरा मैकलन टाक ने किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकलन टाक ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है अनुसंधान संस्थान जो कि केंद्रीय औषधि का है? वो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है चेन्नई, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, नाइजीरिया में है, या फिर मेक्सिको में है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में चावल का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और कई बार पूछे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है उसकी। और इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है कटक है, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी जो है दिल्ली है, और ऑप्शन नंबर डी जो है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के में चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ब्रिक का मुख्य कार्य होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं, रक्त दाब का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी शरीर के ताप का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर डी जो है भोजन के पाचन में सहायता करना। तो इसका सही आंसर जो होगा शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना, ये ब्रिक का मुख्य कार्य है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है गिलबेरलिन, ऑप्शन डी है किनेटिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन ऑक्सीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो
फुसावरण शोध मतलब कि फ्लू ऋषि नामक बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से में हिस्से को प्रभावित करती है। तो फ्लू ऋषि नामक बीमारी जो है फुसावरण बीमारी जो है वो मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है हाथ और पैर, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन नंबर डी है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ा को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में सतही क्षेत्रों को बढ़ा देता है तथा कोशिकीय परिवहन तंत्र का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, गाल्जी उपकरण, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, इसके बाद माइटोकांड्रिया है और इसके बाद अगला जो है ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, पचे हुए भोजन को भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः पाचन नली के किस भाग में होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अमाशय में होता है या इलियम में होता है या ग्रहणी में होता है या बड़ी आंत में होता है। तो इसका सही आंसर जो है इलियम में, पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन नली के इलियम भाग में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन ये देखते हैं क्या है, ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, इसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी जो है अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं गाल्जी उपकरण और माइटोकांड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी जो है लाइसोसोम और माइटोकांड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज का स्तर जो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है वो किसमें व्यक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, HG पर के MM में, ऑप्शन बी है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में या भाग प्रति मिलियन में या ऑप्शन नंबर डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन देखिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है विषाणु, ये ऑप्शन बी है जीवाणु से, ऑप्शन सी है कीट से और ऑप्शन डी है पौधे से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जीवाणु से निर्मित किया जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होता है। इसका ऑप्शन ए है इंटरफेरोन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। तो हाइड्रो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है वो है इंटरफेरॉन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो होती है वो कितनी होती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 30 ग्राम, ऑप्शन बी जो है 37 ग्राम, ऑप्शन सी जो है 40 ग्राम और ऑप्शन डी जो है वो 46 ग्राम है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46 ग्राम। और इस तरह से आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है पूरे हुए, और इसके बाद हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ जो कि उसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे। धन्यवाद।